फ्रेंड आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास मारुति कंपनी की इको गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड इसमें कस्टमर का कंप्लेंट क्या है, जो हेडलाइट का कॉम्बिनेशन स्विच आता है जो आप ऑन करते हैं वो ऑन नहीं हो रहा है। हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए या मत कीजिए, आप गाड़ी बंद में भी हेडलाइट चालू कर सकते दे सकते हैं। देखिए ये जो हेडलाइट का कॉम्बिनेशन स्विच आता है, देखिए काम ही नहीं कर रहा है, एकदम जाम हो गया है। तो फ्रेंड हम पहले तो इसको ओपन करेंगे, स्टेयरिंग व्हील सब ओपन करेंगे और ओपन करके इसको चेक करेंगे कि क्यों जाम हुआ है। अगर रिपेयर होने लायक रहेगा तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो इसको रिप्लेस करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड इसमें एक और प्रॉब्लम है, देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में वाइपर का डंडी दिया है, जो इसे आप ओपन ऊपर की तरफ करेंगे तो वाइपर का जो पानी आता है वो स्प्रे करेगा। ये देख सकते हो, वो भी काम नहीं कर रहा है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको सबसे पहले ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एक कवर निकाल लीजिएगा हॉर्न वाला। उसके बाद से इसमें देखिए 17 नंबर का एक नट दिया है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। पकड़ के रखो, इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद से इसको थोड़ा आपको ऐसा फटका मारना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आपको इसके नीचे कवर में 3 स्क्रू है, ये देखिए हमने ओपन किया है। ये 3 स्क्रू ओपन करके फिर आपको एक कवर निकालना पड़ेगा। देखिए हमारा कवर भी आ गया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद से आपको इसका 3 स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। देखिए इधर प्लस का स्क्रू है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों बाजू में 3 स्क्रू आता है, तो हम इसका स्क्रू ओपन करेंगे। ये हमने इसका स्क्रू ओपन किया, देखिए। उसके बाद से यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में 3 सॉकेट आता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये 3 सॉकेट है, ये तीनों सॉकेट आपको ओपन करना पड़ेगा, तब आपका ये कॉम्बिनेशन स्विच बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम इसको चेक करेंगे। फ्रेंड हमने इसको ओपन किया है, ये देख सकते हैं, ये मुझे हमें लगता है ये कहीं से गाड़ी हमारे पास आई थी चेक करने के लिए। देखिए किसी ने इधर मट्टी डाल दिया है, मट्टी और फेविकिप डाल दिया है, तो इसके अंदर का जो साफ्ट रहता है घूमने वाला, वो लगता है फेविकिप जाके एक जगह पे लॉक हो गया, इसके लिए ऑपरेट नहीं हो रहा है। ये देखिए ऑपरेट होना चाहिए, घूमना चाहिए, तो हमें ये रिप्लेस ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अब कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके आपको दिखाते हैं हम हेडलाइट चालू करके। ये हमारा जूना वाला है। तो फ्रेंड हमने इसका कॉम्बिनेशन स्विच अरेंज कर लिया है, ये देखिए नया है, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका कॉम्बिनेशन स्विच नया है, ये देखिए हम आपको इसको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए कैसा हो रहा है, देखिए ठीक है, ये काम कर रहा है। और ये वाला देखिए, ये जूना वाला है, देखिए ताकत लगाने के बाद भी नहीं हिलता है, देखिए कितना ताकत लगा रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको रिप्लेस करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इसका जितना भी सॉकेट है उसको बिठा दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसका सॉकेट बिठा लेंगे एक लाइन से, देखिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा चारों सॉकेट बैठ चुका है। देखिए 3 सॉकेट है और एक हॉर्न के लिए एक क्लिप है, ये हमने बिठा दिया है। अब हम इसका स्क्रू लगाएंगे, जो तीनों स्क्रू हमने ओपन किया है, ये इसका तीनों स्क्रू है। तो फ्रेंड हमने इसमें 3 स्क्रू लगा दिए, एक इधर है, एक देखिए इसके नीचे है, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हमारा तीनों स्क्रू लग चुका है। हम आपको इसका हेडलाइट चालू करके दिखाएंगे। देखिए ये देखिए हमारा हेडलाइट चालू हो रहा है, ये देखिए हमने अभी बंद किया, ये हमने ऑन किया। फ्रेंड इसका हेडलाइट नहीं जल रहा था ये जाम होने के कारण, ये जो कॉम्बिनेशन स्विच का ये जो डंडी है ये पूरी तरह से जाम हो चुका था, इसके लिए इसका हेडलाइट ऑपरेट नहीं होता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुका है। अब हम इसका कवर ऊपर नीचे कवर लगा देते हैं, स्टेयरिंग व्हील लगा कर, और उसके बाद से आपको फाइनल करके एक बार दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कवर भी पूरी तरह से प्रॉपर लग चुका है, देख सकते हैं चारों बाजू से। अब हम इसका स्टेयरिंग का व्हील लगाएंगे और व्हील लगा के और उसके बाद आपको दिखाएंगे।
सबसे पहले इसका दो स्क्रू हमने ओपन किया, उसको भी लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रू लगता है नीचे से। फ्रेंड ये हमारा स्क्रू भी तीनों लग चुका है। देखिए दो ऊपर स्क्रू लगता है, एक नीचे स्क्रू लगता है, हमने स्क्रू भी लगा दिया है। अब हम इसका स्टीयरिंग का जो व्हील ओपन किया हुआ हम लगाएंगे। इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव क्यों ले रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। इसका जो स्टीयरिंग हमने व्हील ओपन किया है उसको ट्रायल मार के सीधा करना पड़ेगा, सीधे पोजिशन पर लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका देखिए अभी वाईफाई भी चल रहा है। तो देखिए हमने वाईफाई चालू रखा है, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारी गाड़ी सेंटर में है। अब हम इसका स्टीयरिंग व्हील सीधा करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड इसमें दो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को कभी भी ऐसा सेंटर में रखिएगा आमने सामने। ये देखिए इसमें भी पॉइंट दिया है। ठीक है फ्रेंड, एक फड्डे में आना चाहिए आपका। हम इसका स्टीयरिंग सीधा करके आ गए हैं, अब हम इसको फाइनल टाइट करेंगे। पकड़ो जरा मंडल जी। तो हमारा स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से टाइट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा कवरी भी लग चुका है। अब हम इसका हेडलाइट चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारा हेडलाइट भी चालू हो रहा है। ये मीटर पे आप देख सकते हैं हेडलाइट का सिंबल आ रहा है। ये देखिए हेडलाइट बंद कर रहे हैं, देखिए सिंबल चला जा रहा है। ठीक है, हम दोनों साइड का इंडिकेटर भी चेक करेंगे चल रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा इंडिकेटर भी चल रहा है राइट साइड का, फिर इसी तरह लेफ्ट साइड का चेक करेंगे। ये देखिए हमारा लेफ्ट साइड का भी चालू है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसी प्रकार वाइफर चेक करेंगे पहले स्प्रे करके। देखिए हमारा वाइफर भी स्प्रे हो रहा है, ये भी काम कर रहा है स्प्रे का। इसका हम वाईफाई चालू करके देखेंगे। देखिए हमारा वाईफाई भी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी सारी चीज़ें काम कर रही है। हमारा जो वाईफाई का लीवर आता है ये भी वाईफाई का पूरा काम कर रहा है। देखिए ये एक नंबर, ये दो नंबर। ठीक है फ्रेंड, देखिए स्लो स्पीड सब चल रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑफ हो गया। इसी प्रकार से हमारा ये इंडिकेटर भी चल रहा है राइट लेफ्ट का। मतलब जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन स्विच में सिस्टम दिया रहता है वो हमारा सारा सब काम कर रहा है। हमने सारे तरीके से अच्छे से चेक कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है। हमने इसका टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा ये वीडियो था कॉम्बिनेशन स्विच रिप्लेस का। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।